एक बार क्या होता है, ऐसा ही सेमिनार होता है एक सूरत में, बड़ौदा से तीन इंजीनियर और तीन वकील वो भी सेमिनार देखने जाते हैं। जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि तीन वकील अपना एक एक टिकट खरीद लेते हैं और तीन इंजीनियर जो होते हैं वो तीनों के बीच में एक ही टिकट खरीदते हैं। वकील कहते हैं यार ये चक्कर क्या है, तीन लोग टिकट एक खरीदा। बोले चुप, देखने का बोलने का नहीं। अजीब खेल है। ट्रेन में बैठ गए, थोड़ी दूर चले, टीटी आया, देखा अभी अपनी बारी आ रही है, तीनों इंजीनियर उठे और एक बाथरूम में घुस गए। टीटी आया, उसने थोड़ी देर के बाद बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, बोला टिकट प्लीज। एक इंजीनियर निकला, उसने टिकट दिखाई, उसने साइन मारे, फिर बाथरूम में घुस गया। वकील देख रहे हैं, क्योंकि यह बात तो तय है कि खास करके ट्रेन के बाथरूम में तीन लोग नहीं हो सकते। सीधी बात है, अपने घर के बाथरूम में चलो दो घुस गए, पर ट्रेन के बाथरूम में तीन लोग जा नहीं सकते। वकीलों ने देखा, यार क्या बात है यार, पैसा बचाया यार, अच्छा तरीका है नहीं, अभी हम भी ऐसा ही करेंगे। सेमिनार देखा, सूरत से बड़ौदा के लिए टिकट लिया। अब तीन वकीलों ने एक टिकट खरीदी, इंजीनियरों ने कोई टिकट ही नहीं खरीदी। वकील फिर टेंशन में, यार ये चक्कर क्या। बोले चुप, देखने का बोलने का नहीं। बोले अजीब बात है। ट्रेन में बैठ गए, उन्होंने वैसे ही किया जैसे पहले इंजीनियरों ने किया था। टीटी नजदीक आया, तीनों वकील उठे, एक बाथरूम में घुस गए। तीनों इंजीनियर उठे, वो दूसरे बाथरूम में घुस गए। थोड़ी देर के बाद टीटी आया, इससे पहले टीटी आके वकीलों का बाथरूम का दरवाजा खटखटाए, एक इंजीनियर अपने बाथरूम से निकलता है और कहता है टिकट प्लीज, और वकील टिकट दिखाता है और टिकट खींच के अपने बाथरूम में घुस जाता है। अब टीटी आता है, उनकी टिकट चेक करता है, टिकट होती नहीं है और बेचारों को पेनल्टी भरनी पड़ती है। बाद में आके कहते हैं यार अजीब आदमी है, मरवा दिया आपने। कहते हैं नो विदाउट कॉलेज। नकल के लिए अक्कल की जरूरत होती है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और दोस्तों